दोस्तों नमस्कार, वुडवर्क एस के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार। हमने ये एक रसोई तैयार की थी जिसकी वीडियो मैं आज लेके आया हूँ। सबसे पहले हमने ये पेंट्री बनाई है। इसकी लंबाई की बात करें तो 7 फीट और चौड़ाई की बात करें तो 2 फीट है। और इस पेंट्री की सबसे मेन क्या होती है, ये जो गहराई होती है, मिनिमम गहराई कितनी रखनी चाहिए। मिनिमम आप इसको कम से कम 22 इंची रख सकते हैं। तो अगर 22 से कम रखोगे तो आपको ये जो एक्सेसरी है इसको चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये आप देख सकते हैं पेंट्री, हमने ये जो बॉक्स है इसके लेवल में ये पेंट्री का बॉक्स बनाया है ताकि देखने में सुंदर लगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको पूरी किचन दिखाएंगे। ये दोस्तों आप अगर पेंट्री बनाते हैं तो इससे किचन हमारी सुंदर दिखाई देती है। और इसमें ये जो बॉक्स लगे हुए होते हैं ये एडजस्टमेंट होते हैं इनको, जहाँ हम मर्जी आप रख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। और हमने ये इसके ऊपर एक 3 इंच की लाइट की कटिंग कर दी ताकि इसमें रोशनी की कोई दिक्कत ना रहे। और ये हमने हैंडल इस तरह का हैंडल लगाया है। और अगर आपको किचन बनानी है तो आप इस तरह का हैंडल अपने मिस्त्री से कह के लगवा सकते हैं। दूसरा, ये हमने सारे प्रोफाइल के पल्ले क्रॉकरी यूनिट बनाए गए हैं, जो जैसे मालक की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने काम किया है। ये ऊपर छोटी लाइट दी है जो आप देख सकते हैं, छोटी लाइट। और ये सारा हमने ब्लैक ग्लास डलवा दिया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने शॉकर लगाए हैं। इस तरह आप अपने किचन बना सकते हैं जो देखने में काफी सुंदर लगती है। आगे हमने ये दो पल्ले ऐसे खोल दिए और यहाँ पे अभी कांच की सेल्फ डलेगी, अभी शीशे काम बाकी है। इसी तरह आगे हमने ये ऐसे दो पल्ले शोकर वाले बना दिए। इसी तरह ये शोकर वाले पल्ले, वो शोकर वाले ऐसे ही पल्ले, और ये सीधे ऐसे जोड़ी बना दी ताकि देखने में किचन सुंदर लगे। तो यहाँ पे हमने इधर कोना था, कोना हमने डेड कर दिया और ऐसे पल्ला बना दिया क्योंकि सामान निकालने में दिक्कत ना हो, तो ये डेड कर दिया। यहाँ पे हमारी चिमनी आएगी, अभी चिमनी नहीं लगी, थोड़ा पीछे रहेगा थोड़ा। और इस तरफ ये किचन का थोड़ा कॉर्नर था तो इधर कॉर्नर बना दिया हमने ओपन। और ये बक्सा बना दिया, यहाँ पे अभी शीशे की कांच की सेल्फे लगेंगी, अभी नहीं लगवाई। दोस्तों ये बर्तनों का जीटी पिटी लगा दी। और नीचे ये ऊपर प्लेट ट्रे है और नीचे कप ग्लास वगैरह रख सकते हैं। और नीचे हमने इसके यहाँ पे जाली लगा दी, जाली ताकि छिपकली वगैरह या मक्खी वगैरह ना घुसे। तो आइए अब नीचे की देखते हैं। ऐसे ही हमने ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे ये बड़ा बॉक्स बनाया और इधर ये सेम सीमेंट्री बनाई, जितना ये बॉक्स है उतना ही ये बॉक्स है, सेम सीमेंट्री बना दी। ऐसे ही नीचे यहाँ पे ग्रेन ट्रॉली आटे के लिए, ये ऐसे कॉर्नर है, कॉर्नर हमने ये सिंगल पल्ला दे दिया, इसका कॉर्नर यूज कर सकते हैं। ये ग्लास फॉल आउट टू सेल्फ, आप अपने जगह के अकॉर्डिंग ये अपना ग्लास फॉल आउट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कटलरी कटलरी दे दी यहाँ पे, कड़छी चम्मच के लिए। यहाँ पे ऐसे नीचे खाली बॉक्स दे दिया। और ये सिंक, इधर सिंक है, ये बड़े पल्ले दे दिए, बड़े पल्ले। और नीचे हमारा पंप वाला आरो लगेगा। और यहाँ भी ऐसे पल्ला दे दिया, ये हमने डस्टबिन यहाँ पे दिया है, जो अब थोड़ा झुकना, ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने डस्टबिन दे दिया यहाँ पे। और इसी तरह हमने एक ये यहाँ पे छोटे दो बक्से दे दिए और इसकी गहराई कम कर दी ताकि ये सिर में ना लगे, कोने में है। और हमें किचन के मत्थे पर ये पैरलिंग कर दी,
तो आप देख सकते हैं। तो एक बार आप पूरी किचन देख लें, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वे हमारे वीडियो को लाइक वे शेयर करें। तो मैं कहूँगा वीडियो एक ये सारे किचन एक बार दिखा दें। ये हमने नीचे यहाँ पे प्रोफाइल लाइट, ये प्रोफाइल लाइट दे दी है ताकि यहाँ पे रोशनी फुल रहे। और ये टाइल की बात करें तो इटालियन टाइल आती है, जो काफी सारा मार्बल काम वाइट इटालियन टाइल है, तो सारी वाइट की गई है किचन। तो आप देखने में किचन कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।